हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, दैट इज़ नीट और जेई का। तो मैंने बोर्ड पे लिखा है लिस्ट ऑफ रिएजेंट, हम पढ़ेंगे। अब कौन से लिस्ट है, कौन कौन से रिएजेंट है, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री की चीज़ बता देता हूँ। यू मस्ट हैव हर्ड समथिंग कॉल्ड एज अ पोरस। पोरस जो है वो अलेक्जेंडर के साथ में हेडिस्पस की लड़ाई किया था उसने, और वो हार गया था। तो उसकी लड़ाई और उसके हारने से क्या कनेक्शन है, वो कनेक्शन मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू द 11 रिएजेंट। वो 11 रिएजेंट जो है आपके अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई के बीच के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वहाँ से मैं बनाऊँगा। तो फटाक से देख लेते हैं। सी व्हाट आर द रिएजेंट आई एम गोइंग टू कवर हियर। पोरस, लॉस्ट, बैटल फील्ड ऑफ हेडिस्पस विथ अलेक्जेंडर। ठीक है, ये आपने एजेड समझना है, ये आपने W समझना है, या आपने H समझना है, इसको कुछ नहीं लेना है। ये आपका F है, ये आपका B है, ये आपका L है। यहाँ पे P O R S, तो ये आपको चार अल्फ़ाबेट यहाँ से मिल गए। तो अगर आपने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स को काउंट किया तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैंने आपको पहले ही बोला था मैं आपको 11 रिएजेंट के बारे में बताऊंगा। वो 11 रिएजेंट जो है याद रखने के लिए मैंने इसको कनेक्ट किया है विद द पोरस एंड अलेक्जेंडर का जो लड़ाई हुआ था। तो सबसे पहली बात हमको पी फॉर समझना है क्या होता है। सो पी का मतलब हो गया आपका पर आयोडिक एसिड। क्या हो गया? पर आयोडिक एसिड, HIO4। अब इसका क्या फंक्शन है मैं आपको बताऊँगा, पहले मैं पूरा एक एक करके बता देता हूँ। O4 ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी हैव अ आर। आर का मतलब है रेनेनिकल। क्या भाई? रेनेनिकल, रेनेनिकल। देन वी हैव एस। एस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेलेनियम डाइऑक्साइड। एस मतलब सेलेनियम डाइऑक्साइड, दैट इज SO2। दिस इज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। अच्छा, इसके बाद हमको मिल रहा है L। L मतलब आपका हो गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। L इज़ अ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये बड़ा फेवरेट रिड्यूसिंग एजेंट है, आपने काफ़ी बार देखा होगा। B की जगह पे हम लोग ने ऐसा लिखा है NBS, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। बी की जगह पे क्या लिखा मैंने? NBS, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। F, F इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप सुनेंगे, फेंटॉन रिएजेंट, फेंटॉन्स रिएजेंट। ये क्या होता है आप देख लेंगे आगे। ओ की जगह पे कुछ नहीं है, एच। एच इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। डब्ल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन्स कैटलिस्ट। ए, और आपका बच रहा है जेड। जेड इज योर जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। एंड ए फॉर एल्यूमिनियम आइसो प्रोपोक्साइड, एल्यूमिनियम आइसो प्रोपोक्साइड। तो ये कुछ मैंने 11 रिएजेंट की लिस्ट आपको लिख के दी है। ये आपने ये यहाँ से याद करके रखना है। पोरस फॉट, पोरस लॉस्ट बैटल फील्ड ऑफ हेडिस्पस विथ अलेक्जेंडर। तो ये कुछ मैंने 11 अल्फ़ाबेट आपको बता दिया। मैं स्टार्टिंग का पहले ये चार आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो इसको मैं ज़रा रफ़ कर दूँ, ठीक है। नाउ सबसे पहला जो यहाँ पे आता है आपका, दैट इज पर आयोडिक एसिड। सो व्हाट इट डज, पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, ठीक है। ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करता है 1,2-diol या 1,2-diketone या अल्फा आपका हाइड्रोक्सी कार्बोनिल होगा या अल्फा अमाइनो कार्बोनिल होगा।
ठीक है, मैंने अभी बोला, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इट डज़ ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ 1.2, 1.2 डायोल और 1.2 डाइकीटोन अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल या कीटोन बोल सकते हो, या फिर आप अल्फा अमाइनो कीटोन या कार्बोनिल आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसका काम है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास दिया गया है यू आर CHO, तो CHO के ऊपर जब आपने अगर पराइओडिक एसिड ऐड किया है तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड, HCOOH। आर यू रीडिंग? इफ यू गॉट समथिंग लाइक दिस CHOH, यू गॉट अ CH2OH। तो CH2OH का जब आप पराइओडिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएगा आपको फॉर्मल्डिहाइड, CHOH आपको बना देगा एल्डिहाइड। क्या बना के देगा? एल्डिहाइड। जस्ट आपको दिमाग में ही फिट करके रखना है। ये वाला CHO तो वो अगर पराइओडिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो आपका फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। अगर CHOH है तो आपका एल्डिहाइड बनेगा, CH2OH है तो आपका फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। अगर मैं यहाँ पे आपको एक रिएक्शन देता हूँ, दैट इज एग्जाम्पल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल। इफ़ यू वाला आर बॉन्ड CHOH बॉन्ड CHOH बॉन्ड आर डैश, सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल दिया पहले। अगर आप यहाँ पे एक पैराविटिक एसिड मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने एक ही बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एक ही लगेगा HIO4, तो सिंपल सी बात है ये CHOH है। अब CHOH का कन्वर्जन किस में होता है? एल्डिहाइड में होता है। तो आपने सीधा आग बंद करके इसको बना देना RCHO। क्या बना देना? RCHO। और ये वाला आर डैश CHO। बात समझ में आ रही है? आई होप इट इज़ गेटिंग क्लियर। नाउ विल सी वन मोर एग्जाम्पल, जस्ट इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे मॉलिक्यूल को। आर बॉन्ड CH2, आर बॉन्ड CH OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, इसको OH करता हूँ मैं, CH2 ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए सेम ही चीज़ है। यहाँ पे मैंने आर की जगह पे वो लिख दिया है, इसको मैं जस्ट होल्ड ऑन, आई विल जस्ट मेक इट CHO, इसको मैंने CHO बना दिया है। अच्छा, इसके अंदर आपने क्या होगा, ये दो जगह से टूट रहा है। कहाँ से टूट रहा है? ये दो जगह से टूट रहा है। तो आप पहले इसको ब्रेक कर देंगे, बस समझ में आ रही है? अच्छा, तो ये टूटेगा, ये CHOH है, CHOH क्या बनेगा भाई? आपका एल्डिहाइड बनेगा, दैट इज CHO। वो CHO को फर्दर आपका जो है जस्ट CHIO4, और यहाँ से भी वो टूटेगा क्योंकि CHO भी टूटने वाला है और CHOH ऑक्सीडाइज होकर CHO बनाएगा, दैट CHO विल बी गेटिंग फर्दर ऑक्सीडाइज बाय पराइओडिक एसिड इंटू फॉर्मिक एसिड। तो ये वाला भी फॉर्मिक एसिड बनेगा और ये वाला भी फॉर्मिक एसिड बनेगा, एंड दिस विल बी योर एज इट इज एल्डिहाइड RCHO प्लस दिस फॉर्मिक एसिड एंड दिस फॉर्मिक एसिड। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि ये तो सर CHOH है, तो CHOH जो है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर CHO बनेगा, दैट CHO विल गेट फर्दर ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पे जो है ना आपको टू मॉलिक्यूल ऑफ HIO4 लगेगा, एंड दैट विल गेटिंग सी डबल बॉन्ड ओ एच, दैट इज़ फॉर्मिक एसिड। बात समझ में आ रही है? आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। तो ये 1.2 डायोल को ही ऑक्सीडाइज करता है, एंड 1, आपका जो डाइकीटोन होगा उसको भी कर सकता है, एंड देन यू कैन हैव दिस अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल और अल्फ़ा अमाइनो कार्बोनिल, दैट कैन बी ऑल्सो फर्दर योर ऑक्सीडाइज्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैराओडिक एसिड। इसके एप्लीकेशन बहुत सारे होते हैं तो मैं बहुत सारे को कवर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आई एम गिविंग द कंसेप्ट हाउ इट इज़ हैपनिंग। सो आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। नाउ नेक्स्ट विल गो फॉर द ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड को बनाते हैं पहले कैसे, वो जरा फटाक से देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऑस्मियम को आपने ऑक्सीजन के साथ में हीट करना है, एयर के साथ में, तो वो ऑस्मियम प्लस O2 जो है आपने इसको रेड हीट एकदम तगड़ा इसको गर्म करना है, ये आपका एयर है, तो ये आपको फॉर्म करके देगा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। इसका फंक्शन क्या है भाई? इसका फंक्शन बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे मैं हेडिंग मार देता हूँ, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ठीक है,
अब ये करता क्या भाई, सिंपल सी बात है, ये करेगा सिन हाइड्रोक्सिलेशन, दिमाग में फिट कर लीजिए, ये करने वाला है सिन हाइड्रोक्सिलेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिन हाइड्रोक्सिलेशन भाई, जो OH ऐड करने वाला है वो दोनों एक ही तरफ से आएगा। इट डज सिन हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है, मतलब डायरेक्शन जो है OH का एडिशन एक ही तरफ से होगा, या तो डाउन से होगा या तो अप से होगा। इफ़ यू वॉन्ट टू गेट द एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, इफ़ यू गॉट समथिंग लाइक दिस, आपके पास दिया गया है साइक्लो पेंटीन। अब ये साइक्लो पेंटीन के अंदर मैंने ऐड कर दिया ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, तो सिंपल सी बात है OH ऐड करेगा। अब बच्चा क्या कर सकता है, अगर इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री की वो बात कर रहे हैं तो स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए वो हमको इस तरह से कन्फ्यूज़ कर सकता है, वैसे तो पूछते नहीं है, OH ऐसे हो जाए और OH ऐसे आ जाए, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल ये बन सकता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का, दोनों OH या तो डॉट पे हो या तो वेज पे हो, तो 1-2 एडिशन कर ही रही है। बट बच्चे को ये पता होना चाहिए कि सिन कौन सा है और एंटी कौन सा होता है। तो ये आपका एडिशन जो है ना, ये करेक्ट है, ये एडिशन स्टीरियोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, बिकॉज एक ऊपर से अटैक कर रहा है और एक नीचे से अटैक कर रहा है। सो दिस इज़ लाइक अ बैक साइड एंड दिस इज अ फ्रंट साइड, एंड दिस बोथ आर आइदर फ्रॉम बैक और आइदर फ्रॉम फ्रंट साइड। तो या तो ये ऐसे हो सकता है या तो ये ऐसे हो सकता है, OH एंड दिस इज OH। सो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का काम क्या होता है भाई, इट डज द सिन हाइड्रोक्सिलेशन। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द रैनेनिकल। व्हाट इज़ अ रैनेनिकल? रैनेनिकल जो होता है वो आपका निकल का ही फॉर्म होता है, एंड दैट इज़ अ मोर स्पेसिफिक। ओके, नाउ विल सी दैट। सो द थर्ड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ रैनेनिकल नाउ। ये जो होता है ये आपका निकल का ही फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या होता है भाई, इट डज हाइड्रोजिनेशन। आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा, दैट इज़ अ रिडक्शन। अगर मैं यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, आई हैव गिवन यू समथिंग कॉल्ड एज अ इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर मैंने निकल बॉन्ड हाइड्रोजन रहने निकल वाला पास कर दिया। सिंपल सी बात है, ये आपको प्रोडक्ट क्या दे देगा, CH3। सिंपल है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट यहाँ पे करता हूँ। कॉम्प्लिकेट क्या करूँगा, अगर मुझे किसी ने दिया है दिस इज़ समथिंग ऑल्ड एज अ, ये बेंजीन है, क्या है, बेंजीन। तो बेंजीन को अगर आप यूज़ कर रहे हो फॉर दिस निकल प्लस ये, तो ये नॉर्मली नहीं जाएगा, इसको हीट करना पड़ेगा। तो इसका टेम्परेचर जो है ना वो 200 के आसपास रहेगा, 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएगा। अरे गड़ी, तो ये जो है आपको फॉर्म करके देगा साइक्लोहेक्सेन। व्हाई इट इज़ नॉट इजीली अंडरगोइंग रिडक्शन, बिकॉज ये स्टेबल कंपाउंड, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो अगर आप रिएक्ट कराना चाहते हैं तो यू हैव टू गिव यू द मोर एंड मोर हीट, सो दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग दिस 200 डिग्री सेल्सियस। नाउ इफ आई टेक समथिंग कॉल्ड एज अ नैफ्थलीन, जस्ट ट्राई टू सी द एग्जांपल। नैफ्थलीन जो है ये मैंने लिया यहाँ पे एग्जांपल्स। अब इसी नैफ्थलीन को मैं दो कंडीशन पे ट्रीट करूँगा। एक आपने ले लिया है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर निकल एच, यहाँ पे आपने 300 ले लिया है एंड देन थोड़ा सा प्रेशर भी लगा दिया, इसका टेम्परेचर 200 के आसपास ले लेता हूँ मैं, एंड निकल हाइड्रोजन, ठीक है, एक डेकालीन दे देता है, पूरा का पूरा रिड्यूस कर देगा दिस। आर यू रेडी? दैट इज कॉल्ड एज अ डेकालीन। अभी इसके ऊपर जब आप करेंगे तो एक बॉन्ड, एक रिंग ऐसे ही रहेगी और एक रिंग रिड्यूस हो जाएगी। सो ये आपका लोअर कंडीशन पे, मतलब टेम्परेचर आपने थोड़ा सा कम कर दिया, ये टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, तो वो उसने आपको पूरा का पूरा डबल बॉन्ड रिड्यूस कर दिया है। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर निकल एंड योर हाइड्रोजन। सो रैने निकल का ये फंक्शन है, इसके और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, वी हैव टू जस्ट रिमेंबर, डबल बॉन्ड का ये रिडक्शन कर देता है, एंड इफ़ द कंपाउंड इज़ लाइक मोर एंड मोर स्टेबल देन यू हैव टू गिव द मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ
temperature and the pressure is also needed. So I hope you got the concept of Rankine-Nickel. I have till now मैंने आपको तीन reagent के बारे में बताया है. पहला जो मैंने बताया था आपका P, that is pyriodic acid, O, osmium tetroxide. Just now I talked about the Rankine-Nickel. अब मैं third, fourth वाला बात करने वाला, that is very important, that is called as a selenium dioxide, SeO2. मतलब ये तो मैं बोल सकता हूँ 99% आपको competitive exam में मिलने वाला ही है, ठीक है. सिलेनियम और ये आपका जो एक होता है NBS, इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं जेई में. तो ज़रा समझ लेते हैं पहले इसको, सिलेनियम डाइऑक्साइड का फंक्शन क्या होता है. तो नाम से पता चल रहा है भाई वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो सिलेनियम डाइऑक्साइड जो है, दिस इज़ SeO2 सिलेनियम डाइऑक्साइड. तो सिलेनियम डाइऑक्साइड क्या करता है भाई, इट डज, ध्यान से समझना, इट डज ऑक्सीडेशन, इट डज ऑक्सीडेशन, इट डज ऑक्सीडेशन, इट डज ऑक्सीडेशन ऑफ CH2 एंड CH3. CH2 मतलब मिथिलीन एंड CH3 मिथाइल, ठीक है. इसके अलावा ये और क्या करता है, इट डज एलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन एंड एलाइलिक ऑक्सीडेशन, एलाइलिक ऑक्सीडेशन, ठीक है. अब अच्छा जरा इसको एग्जांपल के थ्रू पहले समझ लेते हैं फटाक से. मतलब ये आपका जो इसका फंक्शनिंग है वो कुछ इस प्रकार होता है. अगर किसी ने मुझे दिया है CH3CHO, ठीक है, तो इसमें जो CH3 है ना वो एक्टिव है. तो एक्टिव क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एल्डिहाइड के से कनेक्टेड है. तो इसके ऊपर जब आप ऐड कर देंगे सेलेनियम डाइऑक्साइड, तो सेलेनियम डाइऑक्साइड जब अकेला मैंने ऐड किया, इसके बाद में कुछ और मैंने मिलाया नहीं है, कुछ और मिलाओगे तो इसका काम कुछ और हो जाएगा. जैसे कि आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लिया तो ये कुछ और काम कर सकता है. तो ये जो है ना CH3 को बना देगा CHO, क्या बना देगा, CHO, दिस इज अ ग्लायोक्सिल, दिस इज अ ग्लायोक्सिल. बात समझ में आ रही है भाई, पक्का. इफ़ यू टेक कुछ और ले लीजिए, अगर आपने यहाँ पे CH3 देन यू हैव टेकन सी डबल बॉन्ड ओ, देन यू हैव टेकन दिस सी, यहाँ पे कोई आपने रिंग ले लिया है, ठीक है. तो ये जो सी डबल बॉन्ड हुआ उसकी वजह से ये मिथाइल क्या हो गया, एक्टिव. अब जब आप इसके अंदर ऐड करेंगे SeO2 सेलेनियम डाइऑक्साइड, तो वो CH3 को बना देगा CHO. तो ये आपका हो गया कंपाउंड CHO, सी डबल बॉन्ड ओ, दिस, आर यू गेटिंग, आई होप बात समझ में आ रही है. तो ये आपका तो मैंने मिथाइल और मिथिलीन के टर्म्स में बताया. अच्छा, अगर किसी ने ये ले लिया है, दिख रहा है आपको, साइक्लोहेक्सिनोन, क्या ले लिया, साइक्लोहेक्सिनोन, और इसमें किसी ने ऐड कर दिया सेलेनियम डाइऑक्साइड, तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था क्या, वो जो है CH2 को ऑक्सीडाइज कर देता है और आपका एलाइलिक कार्बन के ऊपर भी वो काम करता है. तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है CO, ये थोड़ा सा बगल वाले को एक्टिवेट कर देता है, CH2 एंड दिस CH2 इज़ अ एक्टिव मिथिलीन, तो उसको वो ऑक्सीडाइज करके 1,2 डायोन दे देगा. ये इसका प्रोडक्ट है, बस समझ में आ रही है. अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इसी को ज़रा दूसरे तरीके से समझ लेते हैं. अगर किसी ने मुझे यहाँ पे दिया है साइक्लोहेक्सीन, क्या दिया है, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन के अंदर मैंने ऐड कर दिया SeO2. अब हमको पता है सेलेनियम डाइऑक्साइड का काम होता है एलाइलिक पोजीशन के ऊपर ऑक्सीडेशन करना. तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आगे वाले को आप एलाइलिक पोजीशन समझते हो, तो उसके ऊपर ऑक्सीडाइज करके ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा. देर इज़ अ 1,2 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, देट इज़ योर कार्बन विद इन कॉन्जुगेशन है, ठीक है. तो ये साइक्लोहेक्सीन हेक्सेनोन था, यह साइक्लोहेक्सीन था, दोनों के ऊपर मैंने ऐड किया है SeO2. आई एम गेटिंग द टू डिफरेंट प्रोडक्ट. सो नाउ मूविंग अहेड, अभी मैं जो है आपका एल्कीन का बात करता हूँ. एल्कीन के अंदर जब आप सब्स्टिट्यूशन रखेंगे तो वो किसका ऑक्सीडेशन करेगा, जो जरा उसको समझ लेते हैं. उसमें हाइड्रोक्सिलेशन होता है, क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ OH. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू गॉट समथिंग लाइक दिस CH3 बॉन्ड सी, CH3 ये वाला डबल बॉन्ड सी बॉन्ड CH3 CH3, दिस इज द एग्जाम्पल नंबर वन. एग्जाम्पल नंबर टू CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CCH3 CH2 CH3, ठीक है. ये दोनों एग्जाम्पल को जरा समझ लेते हैं.
तो देखिए, सबसे पहली बात, आपने अलाली पोजीशन के ऊपर क्या करना है, OH को चिपका देना है या लगा देना है, सिंपल सी बात है। तो अब जरा आप इसके ऊपर ध्यान से ज़रा देखिए, जब आप इसके ऊपर ऐड करेंगे SeO2, तो मैंने स्टेटमेंट ऊपर लिखा है अलैलिक पोजीशन के ऊपर वो हाइड्रोक्सीलेशन करता है। तो बच्ची को ये समझ में आना चाहिए कि अलैलिक पोजीशन कौन सी होती है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उसको हम लोग अलैलिक सिस्टम समझते हैं। उसके बगल वाला जो कार्बन, ये अलैलिक कार्बन है। सो दिस इज़ अलैलिक, दिस इज़ अलैलिक, अलैलिक एंड दिस इज़ ऑल्सो अलैलिक, ऑल आर इक्विवेलेंट। तो आप किसी भी CH3 के ऊपर एक OH लगा दीजिए, सिंपल सी बात है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बन सकता है, CH3 डबल बॉन्ड CH2 OH बॉन्ड CH3, मतलब वो OH कहीं पे भी आ सकता है, बिकॉज दिस मिथाइल, दिस मिथाइल, दिस मिथाइल, दिस मिथाइल, ऑल आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दिक्कत इसके अंदर आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, बिकॉज देखो, आपने जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे लिखा है, दिस मिथाइल, दिस मिथाइल, दिस मिथाइल एंड दिस मिथिलीन, सो एज आई टोल्ड यू, मिथाइल और मिथिलीन में करता है वो अलैलिक पोजीशन पे हाइड्रोक्सीलेशन। तो ये भी तो अलैलिक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आगे वाला अलैलिक, दिस इज अलैलिक एंड दिस इज ऑल्सो अलैलिक। नाउ वी हैव टू गो फॉर द प्रेफरेंस। सो व्हाट इज द प्रेफरेंस, द प्रेफरेंस इज लाइक अ मिथिलीन का हाइड्रोक्सीलेशन पहले होता है, बात समझ में आ रही है, फिर आपका CH3 का होता है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, बच्चे को यहाँ पे ध्यान से लिखना है, दैट इज़ CH2 का हाइड्रोक्सीलेशन किया जाएगा। SeO2 जब आपने कर दिया यहाँ पे, तो आपने एज इट इज़ लिखना है CH3 C bond CH3 double bond C CH3 CH यहाँ पे OH लिखना है CH देन CH3। सो दिस इज़ द राइट प्रोडक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल। सो अभी तक फिलहाल मैंने ये 4 का डिस्कशन किया है, कमिंग क्लास में मैं आगे का भी डिस्कशन करूँगा। थैंक यू, आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। ओके, थैंक्स अ लॉट।